हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रेमेडीज इन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम की क्या एडवांटेजेस होती है, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और जो डिसएडवांटेजेस होते हैं उसको कैसे हम रेमेडी, उसकी क्या है, उसको कैसे हम रिकवर करें, इसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि वैसे ऑडिट प्रोग्राम अगर आप समझना चाहते हो कि होता क्या है पहले, उसकी वीडियो बन रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ऑडिटिंग की, वहां पर आप जाके देख सकते हो सारी वीडियो। तो आज हम सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस। ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है असल में? ऑडिट प्रोग्राम क्या है? जब ऑडिटर जो भी ऑडिटिंग का काम करना है, कब करनी है ऑडिट, कैसे करनी है, वो उसका जो पूरे प्लानिंग करता है उसे बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। जब पूरा प्लान बनाता है कि मुझे कैसे करना है, कब करना है, और अपने काम को क्या करता है, उसका मेन मकसद होता है ऑडिट प्रोग्राम का कि अपने काम को डिवाइड कर देना अपने स्टाफ में, क्योंकि तो सारा काम खुद नहीं कर सकता, वो अपने स्टाफ में पूरा डिवाइड कर देगा प्लान बना के, जिससे स्टाफ को एक गाइडेंस मिल जाती है। तो इसीलिए पहला काम, पहला एडवांटेज इसका यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जिसको काम, जो कर सकता है ये वाला काम, जिसको काम कर सकता है कि हाँ यार ये वाला काम ये कर सकता है, तो ये कर, तू वाउचर एग्जामिन कर, तो ये वाउचर की एग्जामिन करेगा। जिसकी एबिलिटी होती है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन अपना करना वर्क का, यही सबसे पहला एडवांटेज है। क्योंकि तो काम को बांटना ही तो उसका काम है। अगर ऑडिटर सारे काम खुद कर लेता तो वर्क ये ऑडिट प्रोग्राम बनाए क्यों? ऑडिट प्रोग्राम का मकसद ही है उसका, ये है कि काम को बांटे और अपने अपने मेन काम पर फोकस करे, वो बाकी काम सारा अपने अपने जो स्टाफ है उसको बांट देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा एडवांटेज यही है, डिस्ट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि तो अगर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लेगा तो फिर वो काई कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा ना, वो वाउचर अच्छे से एग्जामिन कर पाएगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इसीलिए वो ही इससे से पॉइंट निकला हुआ है कि जब हम वर्क को बांटेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अपने आप। सो हमारे एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक काम की बढ़ जाती है, ठीक है। अलग अलग काम वो अपने असाइन कर देगा अपने स्टाफ में, पर इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो मेन काम की, बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्टाफ में बांट देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगा। क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट की जो, उसको क्लाइंट से मतलब नहीं है, काम को बांटा है ये नहीं बांटा ऑडिटर ने, क्लाइंट को मतलब है सिर्फ ऑडिटर से। अब ऑडिटर अब आगे अपने स्टाफ को बांट रहा है नहीं बांट रहा वो उसकी मर्जी है, लेकिन क्लाइंट की तो, क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट को जो है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन क्लाइंट के लिए ऊपर ही है। तो अपने स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले सकता है ऑडिटर, ये नहीं कि अपने स्टाफ को ब्लेम करेगा कि मैंने काम अच्छे से नहीं करा, इसका मतलब है कि स्टाफ ने अच्छे से काम नहीं करा, तो ऑडिटर को जवाब देना पड़ेगा अल्टीमेटली क्लाइंट को ही। तीसरा है हमारा इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस। दरअसल क्या होता है कि जब हम ऑडिटिंग कर रहे हैं तो हमें प्रोग्रेस देखनी पड़ती है कि हमारा काम अब कितना हो गया, ठीक है। वो उसका प्रोग्रेस बनाने के लिए पहले हमारा ऑटोमेट, पहले हमारा एक पहले से प्लान होना चाहिए कि काम कितना कब तक करना था। सपोज करो मुझे भाई ये इसे सारा काम 3 महीने के अंदर करना था, तो पहले अगर ये पता होगा तभी तो हम प्रोग्रेस को देख सकते हैं। यानी कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो उसको अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी तो हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं। यानी कि इवेलुएट करना करना कि नापना, समझना कि हमारा प्रोग्रेस, हमारे हमने कितना ऑडिट कर लिया, वो कैसे पता चलेगा, वो क्या बताता है, प्रोग्रेस चार्ट बनाता है कि हमने आज इतना कर लिया, आज ये काम हो गया, कल अच्छा ये करेंगे। फिर इससे क्या होगा कि हम सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम को करते हैं, तो हमारे जो ऑडिट कितना हुआ है वो कितना प्रोग्रेस को देखने के लिए ऑडिट प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, काम एक तरीके से होता रहा है। होता क्या है कि कभी कभार काम को अगर आपको यूनिफॉर्म बनाना है कि यार मतलब कि इस साल जैसे कि पिछले साल काम क्या हुआ था, वैसे ही ऑडिट अगर हर साल होती रहे वो तभी हो सकती है जब ऑडिट प्रोग्राम पहले से हो। क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, बदलता नहीं रहता, सेम ही रहता है। पिछले साल को देखते हुए बनाते हैं ऑडिट प्रोग्राम कि पिछले साल क्या था ऑडिट प्रोग्राम, इस साल हमने क्या क्या करना है, तो क्या होता है वर्क की यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। सो ये ऑडिट प्रोग्राम जो है हमारे पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए बनाया जाता है, पिछले साल की जो हमारी ऑडिट प्रोग्राम थे उनको देखते हुए बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा वर्क जो है, हमारा काम करना ऑडिट का, वो यूनिफॉर्म रहता है, तो हमारा काम में कोई हिंड्रेंस नहीं आ सकती, काम गलत नहीं हो सकता ऑडिट का, ठीक है, काम अच्छे से होता है। तो
यूनिफॉर्म तरीके से होता है, जैसा करना चाहिए वैसा ही होता है। तो पहला क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिटरमिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, प्रोग्रेस को नापते हैं, काम को बांटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बांट देता है ऑडिटर, काम को अच्छे से कर पाएगा, यूनिफॉर्म तरीके से कर पाएगा। पांचवा है नो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इम्प्लॉइज, इम्प्लॉइज बदल भी गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इम्प्लॉइज अगर बदल भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इम्प्लॉइज कौन से, कंपनी के इम्प्लॉइज नहीं, बात नहीं कर रहा है वो, कौन से ऑडिटर के इम्प्लॉइज, ऑडिटर के अगर स्टाफ बदल भी गया ना तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में सबको लिखा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ऑडिट प्रोग्राम एक गाइडेंस की तरह फॉर्म करते हैं, एक गाइड की तरह हमारा इस्तेमाल होते हैं ऑडिट प्रोग्राम। तो अगर ऑडिटर स्टाफ बदल भी जाता है तब भी ऑडिटर को क्या फर्क पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज आएंगे उसको कहेंगे चलो ये हमारा देखो प्रोग्राम है इसके हिसाब से काम करना है आपको, तो क्या फर्क पड़ेगा, चाहे हमारे एम्प्लॉयज बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता ऑडिटर को। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का। छठा है प्रूफ इन कोर्ट, भाई अगर ऑडिटर पे इंजाम लग गया कि तुमने ये गलती करी है ये काम कराया, तो ऑडिटर कैसे अपना प्रूफ देगा कि मैंने ये ऑडिट करा है, तो ये दिखाएगा ना, ये पेपर की फॉर्म में। ऑडिट प्रोग्राम किस लिए बनाया गया, इसलिए तो बनाया गया, ऑडिट प्रोग्राम एक लीगल डॉक्यूमेंट है पूरा, तो उसको कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कि ऑडिटर हाँ भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो कोर्ट में प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि ये सर्व करता है कि हाँ भाई ऑडिटर ने क्या क्या किया हुआ है। ऑडिट प्रोग्राम में दिखा सकता है कि देखो मैंने ये ऑडिट करा हुआ है इसीलिए मेरे ऊपर इंजाम लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो काम दिखाने के लिए प्रूफ इन कोर्ट करेगा। सेविंग ऑफ टाइम, टाइम बचेगा यार, टाइम बहुत जरूरी है, टाइम बचेगा, इससे क्या होगा कि ऑडिटर अपना मेन इंपॉर्टेंट टाइम में फोकस कर पाएगा, फालतू का जो टाइम है वो वेस्टेड नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने काम को सिस्टमेटिक तरीके से बांट दिया गया है। जब काम बढ़ता है ना, जब डिविजन ऑफ वर्क होगा तो टाइम तो बचेगा यार, आपको अगर 1000 काम दे दिया जाए तो आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे, बल्कि जो मेन काम है वो उस पर टाइम नहीं दे पाओगे, ठीक है ना, टाइम बचेगा, इससे सेविंग ऑफ टाइम होगी। साइमल्टेनियस वर्क इन डिफरेंट ऑफ द बिजनेस, वो बहुत सारे बिजनेस में एक ही काम कर सकता, बहुत सारे काम कर सकता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम से क्या होगा कि उसके लिए एक क्लैरिटी आ जाती है माइंड में कि यार हमारे मतलब ऑडिट प्रोग्राम को देखते हुए काम करेगा ना, तो एक तो होता है कि हमें पता ही नहीं है कि भाई क्या काम करना है क्या नहीं करना, तो अलग अलग बिजनेस में क्या है उसका बिजनेस हमें समझ नहीं आ रहेगा, लेकिन हर एक बिजनेस का जब ऑडिट प्रोग्राम अगर बना दिया तो भाई हमने कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अगले मैं दूसरे एक एक साथ में तीन तीन बिजनेस में काम कर सकता हूँ, चार चार कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ उसका ऑडिट प्रोग्राम देखना है। एक बार मुझे उसका ऑडिट प्रोग्राम मिल गया तो बस उसके हिसाब से मुझे काम करना है, तो ये बहुत बड़ा क्लियरिटी आ जाती है, क्लियर कर देता है कि हमें बस करना क्या है, क्या कौन करेगा और कितने टाइम पे करना है। इससे बहुत ईजिली हो जाता है कि हम ऑडिटर बहुत सारे बिजनेस में एक साथ काम कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा है कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल, नोवा पॉइंट हमारा कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल, भाई हमारी सारी चेकिंग हो सकती है क्योंकि हम पहले ऑडिट प्रोग्राम को देखते बना रहे हैं, ठीक है ना। कोई पहले अगर मैं कोई ऑडिट प्रोग्राम बनाया था उसमें कुछ गलती होगी थी, उसमें कुछ कमी रह गई थी, डेफिशिएंसी रह गई थी, तो उसको देखते हुए जब अगला ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो यार उसको सही बनाएगा ना अपने आप, जब पहले देखेंगे कि हाँ यार ये गलती थी इस बार सही करेंगे, तो कंप्लीट चाहिए हो सकती है अच्छे से। फैसिलिटी इन कंट्रोल, भाई डिविजन वर्क करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटेगा, तो भाई उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ भाई परफॉर्मेंस मेरी कैसे चल रही है, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, कंट्रोल करेंगे यानी मेजर कर सकते हैं, और फिर तभी तो इम्प्रूव करेंगे जब मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब समझते हैं इसका डिसएडवांटेज, फायदे बहुत देख लिए हमने कि हाँ भाई वर्क डिवाइड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ऑडिटर को क्लैरिटी आएगी, कंप्लीट चेकिंग हो सकती है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है इसका। सबसे बड़ा नुकसान है वर्क मैकेनिकल हो जाता है यार, भाई आप रोज एक कंपनी एक ऑडिटर का स्टाफ आ रहा है, रोज एक ही तरीका काम कर रहा है कि रोज एक ही तरीके से भाई वाउचर का एग्जामिन करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, तो इससे क्या होता है, जैसे कि जॉब होती है ना, जॉब एक तरह की जॉब होती है ना, तो जब बार बार एक ही काम होता है एक ही तरीके का, तो वो मोनोटोनस हो जाता है, मतलब कि यार आप कुछ चेंज नहीं हो रहा काम में, कोई मजा नहीं आ रहा, तो वो वर्क जो है ना एक मैकेनिकल बन जाता है, मशीन जैसे होते हैं ना मशीन, कि बार बार एक ही प्रोडक्ट उसी तरीके का बनेगा, ऐसे ही जो काम करते हैं जॉब जो होती है ना, जब हम हमारा काम एक स्टैटिक है, मतलब कि बिल्कुल बदल नहीं सकता, जो लिखा है वही करना है, तो इससे क्या होगा कि मैकेनिकल काम हो जाता है, और इससे क्या होगा कि क्वालिटी जो वर्क मैकेनिकल से सबसे बड़ी नुकसान ये होता है कि जो वर्क की क्वालिटी होती है आप काम अच्छे से नहीं करते, आप काम पर ध्यान ही नहीं देते,
इसीलिए बहुत ये डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का, लैक ऑफ इनिशिएटिव। भाई आपको ना जो लिखा है वही करना है एम्प्लॉयज को, ये सारे जो डिसएडवांटेज ज्यादातर एम्प्लॉयज के लिए है, जो लिखा है एम्प्लॉयज को वही करना है भाई। अपनी वो कैपेबिलिटी, भाई मैं ये कर सकता हूँ, आप अपने सजेशन दे सकता हूँ यार आप ना ये ऐसे करो, ऑडिटर ऑडिटर कह नहीं सकता यार आप ना ऐसे करो कि यार ये ना इस ऑडिट प्रोग्राम में ये गलती है, आप ना यार ये चीज ये सही नहीं, सही नहीं है यार, आप ना ये पहले ये काम करो, पहले आप ना वाउचर एग्जाम में ना करो, पहले आप ये काम करो। तो इस तरह से ना बहुत बड़ी इनिशिएटिव नहीं मिलता एम्प्लॉयज को, अपने अपॉर्चुनिटी मिलती है डिस्प्ले करने की कि यार आप ना ऐसे करो कि डाटा से पैसे पूछने की होती है, आप यहीं से पूछ लो, बहुत सारी चीजें होती है सर। तो लैक ऑफ मॉरल मॉरल इन्फ्लुएंस, मॉरल इन्फ्लुएंस क्या होती है कि उनपे ना कोई दबाव नहीं आता, ठीक है। एक ना मॉरल प्रेशर बहुत बड़ा एक होता है, मॉरल प्रेशर पता क्या होता है, मॉरल प्रेशर होता है कि आपका काम का मतलब दबाव आ चुका है कि हाँ भाई मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है जैसे कि, तो मुझे काम को करना है, इसे कहते हैं मॉरल प्रेशर, कि आपको डर सता गया, आपको डर मतलब आला कि हाँ मुझे काम करना है। लेकिन मॉरल इन्फ्लुएंस नहीं रहती इम्प्लॉयज पे, क्योंकि उसको पता है, ऑलरेडी अवेयर ऑफ इस एस्पेक्ट्स बीइंग लुक टू इनटू, उसको पता है कि भाई मेरा किन किन मेरे किन किन, क्योंकि आपको जब काम मिल गया, मान लो आपका काम है सेल करने का, तो उसको पता है यार आपको जो हमारा ऊपर बॉस होगा उसको पता है कि क्या क्या उसको काम मेरे को मेजर करना है। इसी तरीके से ऑडिटर को भी पता होता है, ऑडिटर को पता है यार मुझे ना इसका काम यही है मेजर करना है, तो एम्प्लॉयज को ये चीज पता है पहले से, इसलिए वो उसी काम में अच्छा करेगा, बाकी काम का डर ही नहीं है कोई, बाकी काम चाहे भाड़ में जाए, बाकी काम मुझे मतलब ही नहीं है, बाकी काम का मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसीलिए मॉरल इन्फ्लुएंस नहीं आता उसके अंदर, कोई डर नहीं बना रहता काम करने का, तो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से सारे होते हैं डिफिकल्टी कोड के डिटेक्ट करने होते हैं कि काम मोनेटाइज हो गया है, मैकेनिकल हो चुका है, तो काम पे वर्क की क्वालिटी घट चुकी है, तो भैया काम कैसे करेगा ढंग से वो, तो फ्रॉड एरर डिटेक्ट नहीं हो पाते अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि तो काम मोनेटाइज हो चुका है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, अपनी एफिशिएंसी से कर नहीं कर पाएगा, अपने आप को उभार नहीं पाएगा, इसीलिए लैक ऑफ इलास्टिसिटी। भाई आपका जो एक बार ऑडिट वगैरह बन गया ना, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है, जो बन गया उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यार आप सोचो जरा कि एक प्लान अगर आपके सामने एक प्लान बन जाए ना, क्या उसको बार बार मॉडिफाई कर सकते हो, बार बार बहुत कम कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते उसको एकदम से, क्योंकि बहुत पहले से एडवांस में प्लान बन चुका है, तो उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट काम है, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा हर चीज, इसीलिए इलास्टिसिटी नहीं होती। जैसे कि गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है, एक बार आपने कानून बना दिया तो चेंज थोड़ी कर सकते उसको बार बार, इसी तरीके से ही होता है। तो ये था इसके डिसएडवांटेज, लेकिन इसका डिसएडवांटेज को इम्प्रूव करा जा सकता है। अब हम समझने वाले इसकी रेमेडी कि यार काम मैकेनिकल हो गया तो कैसे ठीक करे, इंप्लॉय के पास इनिशिएटिव नहीं बचा कैसे ठीक करे, यार इंप्लॉय को क्या करे, इनिशिएटिव कैसे दे ताकि वो काम को अच्छे से कर पाए, मॉरल इन्फ्लुएंस आए उसके ऊपर, काम अच्छे से हो पाए, वो कैसे कर सकते हैं। अब समझने वाले यार रेमेडी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट कि रेमेडी क्या है। अब देखो सबसे पहले जो रेमेडी है यार, देखो ये ना पैराग्राम में लिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पॉइंट पे लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ये सारा कुछ पैराग्राम में लिख रहा है रेमेडी का, ठीक है। पॉइंट पे लिख सकते हो आप, लेकिन पॉइंट में अच्छा नहीं रहेगा इसको, वैसे आप पॉइंट में लिख सकते हो कोई बात नहीं, आप थोड़ा अच्छे करके लिख अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देना, दीज आर द रेमेडीज विच आर फॉलोस, लेकिन आप इसको पैराग्राम में भी लिख सकते हो। तो पहली पहली रेमेडी है कि ऑडिट प्रोग्राम को ना हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं करना चाहिए, कैन नॉट बी यूज फॉर द ऑडिट ऑफ वेरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दरअसल जो पहला हमारा जो पॉइंट था, ये वाला हमारा जो पॉइंट था ना कि ये वाला कि सेवन टू वर्क इन डिफरेंट बिजनेस, क्यों दरअसल ये जो पॉइंट था हमारा ऑडिट प्रोग्राम का, ये ऐसा था कि ऑडिट एक ही ऑडिट प्रोग्राम से हम बहुत सारे बिजनेस में वर्क कर सकते हैं, एक ही ऑडिट प्रोग्राम ले जाएगा ऑडिटर दूसरे बिजनेस में और वही आपका काम कर देगा, वही ऑडिट प्रोग्राम, आपको अलग ऑडिट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दरअसल इसमें यह था, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम तो ऑडिट प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे ऑडिट करना है कि एक टेक्निक है ऑडिट करने की, लेकिन यार ये कह रहा है कि हर जगह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हर जगह कर दिया ऑडिट प्रोग्राम यूज तो क्या दिक्कत आ जाएगी भाई, आपका हर एक का बिजनेस अलग अलग है, उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग करा जाए, उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक बिजनेस अलग अलग है, उसके बिजनेस के सरकमस्टांस को देखते हुए क्या सिचुएशन है उसको बनाना बहुत जरूरी है, वरना फिर आप क्या करोगे, गलत ऑडिट कर दोगे, ठीक है ना।
इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करो, सजेशन दो, ज्यादा से ज्यादा उससे सजेशन दो कि आप बताओ, ऑडिटर कहेगा बताओ मुझे क्या क्या इसमें सही कर सकते हो, ऑडिट प्रोग्राम क्या क्या इसमें गलती है, क्या क्या इसको फ्लेक्सिबल बना, कैसे उसको अच्छे से कंप्लीशन कर सकते हो ऑडिट प्रोग्राम का। तो वो अपने सजेशन देगा, भाई आप अगर सजेशन ही दोगे एम्प्लॉयज से पूछोगे नहीं तो हो सकता है कि वो कुछ अच्छा आइडिया दे सकता हो और आप उस अच्छे आइडिया को बेफालतू में रैन दोगे उससे। तो इसलिए बहुत जरूरी है ऑडिट प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप सजेशन दो उससे। ऑडिटर को कंसल्ट करना चाहिए सबॉर्डिनेट से, यानी कि अपने स्टाफ से पूछना चाहिए उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या उसके गोल्स हैं, उससे पूछो, कंसल्ट करो यार। तभी तो वर्क जो हमारा था, हमारा जो था ना मैकेनिकल बन रहा है बार बार, है ना, मोनोटोनस बन रहा है, वो तभी ठीक हो पाएगा जब उससे पूछोगे। क्योंकि अगर वो मजा नहीं आएगा, उसको लगेगा कि यार मैं वही काम कर रहा हूँ बार बार, तो उससे क्या होगा कि आप जब उसकी प्रॉब्लम को पूछोगे तो वो समझाएगा कि यार ये ना थोड़ा इसको चेंज करो यार, मुझे काम ऐसे करना है, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो उससे क्या होगा, जान आएगी उसके अंदर, मोटिवेट होगा वो अच्छे से काम करने। तो ये बहुत जरूरी है, उससे प्रॉब्लम को पूछे, ऑडिटर मेक इट क्लियर करे कि भाई देखो ये ऑडिट प्रोग्राम गाइडेंस के लिए है सिर्फ, ठीक है ना, ये गाइडेंस के लिए, तो आप इसको देखते हुए ये ना करो, ये सिर्फ एक गाइड है आपके लिए, तो इसको आप सिर्फ इस तरह इस्तेमाल करो कि इससे मुझे काम करने मदद मिलती है, कि मुझे काम क्या करना है। वरना इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो इसमें लिखा है वो पत्थर की लकीर है, आपको सिर्फ वही जो करना है, इसको चेंज भी करा जा सकता है। तो इसकी नेसेसरी है कि चेंज करना बहुत जरूरी है ऑडिट प्रोग्राम को, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, हो सकता है कि बिजनेस, अब जैसे कोविड आ गया, अब कोविड आ चुका है, अब आप बिजनेस में एकदम से आप बिजनेस में जाके जो कुछ भी एग्जामिन करना है वो एकदम नहीं कर सकते, तो उसको ऑडिट प्रोग्राम थोड़ा चेंज करना भी बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा, वरना फिर काम वही चीज हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगा ऑडिट। तो जैसे कि आप एक बहुत सारे होते हैं, ज्यादातर एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनका काम ना बहुत सारा मैकेनिकल हो जाता है, बैठे हैं बार बार वही काम कर जा रहे हैं, तो मजा नहीं आता उनको, तो नया वर्कआउट नहीं कर पाते, वो नई चीज नहीं कर पाते, है ना, कोई मोटिवेशन नहीं है उनके जीवन में। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है, चेंज करना बहुत जरूरी है। तो लेकिन वो कह रहा है लास्ट में, देखो बहुत कंक्लूजन ये निकला है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो फ्रीक्वेंट चेंजेस, इतने भी फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करने यार, इससे क्या होगा कि अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं कर पाएगा, इतने भी नहीं करने, सबॉर्डिनेट को बताना नहीं, इतना भी नहीं, क्योंकि वो तो भाई कुछ, वो कुछ भी हो सकते हैं, फिर तो इतने भी चेंजेस नहीं करने, वरना क्या होगा कि वो तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि यार मुझे ना काम को 3 महीने में अचीव करना था, लेकिन आपने इतने चेंजेस कर दिए कि 1 साल लग गया, ऐसा नहीं कर सकते यार, इतने भी चेंजेस नहीं करने जिससे हम ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते, अपने पर्पस जो हमारा मेन है, ऑब्जेक्टिव हमारा मेन है, वो वैसे के वैसे रहना चाहिए, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा काम मैकेनिकल नहीं होगा। तो ये था पूरा का पूरा हमारा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रेमेडीज। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं, इतना ईजी है, आप अपने आप ही सारे पॉइंट बना के लिख लोगे, क्या करना है आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको देखो सारे एडवांटेज वहीं से निकले गए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर, काम को बांटने से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा ऑब्जेक्टिव निकल गया, काम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो प्रोग्रेस नाप सकते हैं और वर्क को यूनिफॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑडिट प्रोग्राम है, हम मतलब कि उससे काम जो हमारा उससे गाइड मिल सकती है कि क्या काम करना है, कोई चेंज कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया, टाइमिंग बचेगा, एक ही ऑडिट प्रोग्राम हर जगह यूज कर सकते हैं, हालांकि इसका ये डिसएडवांटेज भी है। फिर कंप्लीट चेकिंग हो सकती है यार, आप सारे पिछले ऑडिट प्रोग्राम को देखते हुए आ सकते हो, कंट्रोल तभी तो सकता है। तो मतलब कि देखो सारे एडवांटेज कितने इजी है, सारे एडवांटेज वही डिवीजन ऑफ वर्क से निकले पड़े, है ना। फिर डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यह है कि वही चीज मैकेनिकल होता है काम, एक ही काम को आप बार बार कर रहे हो, यानी कि काम एक मैकेनिकल हो चुका है, जो लिखा है आपको वही करना है, तो क्या आपका कोई चेंज करने की गुंजाइश नहीं बची है, कोई बदलाव करने की गुंजाइश नहीं बची है, जो ऊपर से ऑर्डर मिला है वही करना है, तो इसे कहते हैं मैकेनिकल काम, इसे कहते हैं मशीन की तरह काम कर रहे हो, तो आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं आ सकते, इसलिए आप इनिशिएटिव नहीं आ रहता एम्प्लॉयज के बीच में, मॉरल इन्फ्लुएंस रहती, कोई मजा नहीं आएगा काम करने में कुछ, इसे इसकी वजह से क्या होगा, फ्रॉड एरर डिटेक्ट नहीं हो पाते, इलास्टिसिटी रहती, तो ये आपकी डेबिटी थी, समझ की बात को। तो उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आया होगा कैसे ऑडिट प्रोग्राम का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।